सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि ठीक होंगे आप लोग। तो दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ इस टाइप का फेस स्मूथ फोटो एडिटिंग करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों, इस वाले वीडियो के अंदर आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से फेस स्मूथ फोटो एडिटिंग सिखाया गया है एंड आप लोग कैसे अपने फेस पर येलो टोन इफेक्ट डाल सकते हैं और फेस को काफ़ी अच्छे तरीके से गोरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, सिंपल फोटो को ओपन करने के बाद इस शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम लोग इसको ओपन कर लेंगे स्नैपसीड एप्लीकेशन में। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन में ओपन कर लेना होगा। तो ओपन करने बाद सबसे पहले यहाँ पे नीचे टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड इस पर क्लिक कर देने बाद ऊपर यहाँ पे ट्यून इमेज पर क्लिक कर देना होगा और सबसे पहले यहाँ पर आ जाना है और सैचुरेशन को हम लोग फुल कर लेंगे और यहाँ से एम्बियंस को हम लोग फुल कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हाईलाइट को थोड़ा सा कम कर लेंगे और शैडोज़ को हम लोग थोड़ा सा कम कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों, इसका वार्म भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और यहाँ से इसको सेव कर लेना है। तो सेव करने बाद ऊपर उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड इसके बाद यहाँ से व्यू एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और फिर से नीचे यहाँ पर ट्यून इमेज पर क्लिक कर देना होगा एंड इसके बाद दोस्तों ब्रश वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और ब्रश पर क्लिक कर देने बाद नीचे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और हम लोग इस यहाँ से इसको जीरो करके कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर से जो भी सैचुरेशन है हम लोग यहाँ से रिमूव कर लेंगे, ठीक है। पूरे बॉडी या फेस पर से रिमूव कर लेना है एंड इसके बाद यहाँ से इसको सेव कर लेना होगा। तो सेव करने बाद फिर से क्या करना होगा, यहाँ पर हम लोग को फिर से नीचे टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड इसके बाद यहाँ पर ऊपर डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा एंड इसका स्ट्रक्चर हम लोग फुल पे 100 कर लेंगे और शार्पनिंग को +25 के करीब और यहाँ से इसको सेव कर लेना है। तो सेव करने बाद ऊपर उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा एंड इसके बाद यहाँ से व्यू एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और फिर से नीचे यहाँ पे डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा एंड इसके बाद दोस्तों ब्रश वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और ब्रश पर क्लिक कर देने बाद नीचे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ से इसको हम लोग 25 के करीब रख लेंगे और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जीरो है तो हम लोग इसको 25 पे रख लेंगे, ठीक है। हल्का सा हम लोग को फोटो में क्वालिटी आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग फेस पर से जो भी है हम लोग रिमूव कर लेंगे, 25 पे रख लेना होगा, ठीक है। एंड इसके बाद दोस्तों यहाँ से इसको सेव कर लेना है। तो सेव करने बाद यहाँ से आ जाना है और फिर से हम लोग को यहाँ पर नीचे टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेलेक्टिव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो फेस पे जहाँ ब्राइटनेस है वहाँ पर हम लोग सबसे पहले इस प्लस वाले ऑप्शन को रख लेंगे, ठीक है। एंड इसके बाद दोस्तों फिर से नीचे प्लस पे क्लिक करके जहाँ हम लोग का डार्क स्किन होगा वहाँ पे इसको रख लेंगे, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हेयर पे रख लेना है। तो यहाँ से हम लोग को सैचुरेशन कम कर लेना और स्ट्रक्चर को बढ़ा देना है, ठीक है। और यहाँ से ब्राइटनेस को कम कर लेना है, फिर से डार्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सैचुरेशन कम और इसको ब्राइटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से कंट्रास्ट को थोड़ा सा कम कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ से हम लोग को सैचुरेशन कम कर लेना है और इसके बाद यहाँ से नीचे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ भी डार्क है तो वही प्रोसेस आप लोग को कर लेना होगा एंड इसके बाद यहाँ से इसको सेव कर लेना होगा। तो सेव करने के बाद फिर से क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है और फिर से नीचे टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा एंड इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे डबल एक्सपोजर पे क्लिक कर देना होगा और इसके बाद नीचे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम लोग एक रेड कलर के पीएनजी को ऐड कर लेंगे। इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस पीएनजी को ऐड कर लेने बाद बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा एंड इसको हम लोग यहाँ से ओवरले पे इसको रख लेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ से रख लेने बाद यहाँ से इसको सेव कर लेना होगा। तो सेव करने बाद फिर से क्या करना है, ऊपर उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा एंड इसके बाद यहाँ से बी एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और फिर से नीचे यहाँ पे डबल एक्सपोजर पे क्लिक कर देना होगा एंड इसके बाद दोस्तों ब्रश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और ब्रश पे क्लिक कर देने बाद फिर से क्या करना होगा, यहाँ से हम लोग को इसको 100 पे रख लेना है और कुछ इस तरीके से टी शर्ट पे जो भी हम लोग को यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई करने के बाद टी शर्ट का कलर चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से टी शर्ट का कलर चेंज कर लेना होगा एंड इसके बाद दोस्तों नीचे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। तो सेव करने बाद फिर से क्या करना होगा, यहाँ पर आ जाना है और फिर से हम लोग को यहाँ से ऊपर शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके तो यहाँ से ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैंसिल कर देना है, ठीक है। एंड इसके बाद दोस्तों फिर से नीचे टूल्स पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ पे हीलिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इसके बाद कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना होगा, ठीक है।
तो ये ऑटोमेटिक पूरे फेस को रिमूव कर देगा। तो कुछ इस तरीके से पूरे फेस को रिमूव कर लेना है, ठीक है। तो रिमूव करने के बाद दोस्तों क्या करना होगा, यहाँ से नीचे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। तो सेव करने के बाद फिर से क्या करना होगा, यहाँ पे आ जाना है और फिर से नीचे टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे लेंस ब्लर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा और इसका सर्किल छोटा ट्रांजिशन को जीरो कर लेंगे और इसको भी जीरो कर लेना है और इसका ब्लर स्ट्रेंथ हम लोग 60+60 के करीब रख लेंगे, ठीक है। और यहाँ से क्या करना है, इसको सेव कर लेना होगा। तो सेव करने के बाद फिर से क्या करना होगा, यहाँ पे नीचे टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा एंड इसके बाद दोस्तों नीचे डबल एक्सपोजर पे क्लिक कर देना है। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम लोग को जिस फ़ोटो को सबसे पहले सेव किया तो उसी फ़ोटो को ओपन कर लेना है, ठीक है। तो उस फोटो को ओपन करने के बाद थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ऑपेसिटी इसका फुल कर लेना है और इसके बाद दोस्तों नीचे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना होगा। तो सेव करने के बाद ऊपर उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा एंड इसके बाद यहाँ से व्यू एडिट वाले ऑप्शन पे, तो उसके बाद दोस्तों ऊपर डबल एक्सपोजर पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऊपर ब्रश वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा और ब्रश पर क्लिक कर देने बाद नीचे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड इसके बाद इसको जीरो कर लेना होगा, ठीक है। और फोटो को जूम करके इसके किनारे किनारे आप लोग अप्लाई कर लेंगे। इसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग का ब्लर काफ़ी अच्छे तरीके से हो जा रहा है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से स्नैपसीड एप्लीकेशन की सहायता से आप लोग अपने बैकग्राउंड को काफ़ी अच्छे तरीके से ब्लर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको सेव कर लेना होगा। तो सेव करने पर फिर से क्या करना है, यहाँ से इसको डन कर देना है। तो डन कर देने बाद दोस्तों इस फोटो को शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम लोग इसको ओपन कर लेंगे ऑटोडेस्क यानी कि स्केच बुक अप्लीकेशन में। तो दोस्तों इसमें जो भी सेटिंग बताएं उस सेटिंग को आप लोग सही से देखिएगा, तभी आप लोग का फेस काफ़ी अच्छे तरीके से स्मूथ होगा, ठीक है। तो सबसे पहले फेस को हम लोग गोरा करने के लिए ऊपर उस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ से थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेकेंड नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, इस वाले ऑप्शन पर। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग को येल्लो कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ से येल्लो कलर को सिलेक्ट कर लेने बाद यहाँ से कट कर देना है, ठीक है। तो कट कर देने बाद दोस्तों क्या करना होगा, ऊपर हम लोग को इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों ऊपर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम लोग को एक लेयर को बना लेना है, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लेयर पर क्लिक कर देना है और लेयर पर क्लिक कर देने बाद दोस्तों लेयर पर क्लिक कर देंगे आप लोग तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे नॉर्मल पे क्लिक कर देना होगा और हम लोग यहाँ से इसको सॉफ्ट लाइट पे रख लेना है, ठीक है। तो इस सॉफ्ट लाइट पे रख लेना है और कट कर देना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाना है और ऊपर उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो हम लोग यहाँ पे एक न्यू ब्रश का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं इस ब्रश का सेटिंग आप लोग को बता दे रहा हूँ। तो टेक्स्चर में आप लोग को फर्स्ट वाला ब्रश ले लेना है और ऊपर सेटिंग पर क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पे सेटिंग इसका ऑपेसिटी फुल रहेगा, ठीक है। आप लोग अपने साइज़ को अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से नीचे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से इसका साइज मेंटेन कर लेने बाद कुछ इस तरीके से इसको स्किन पे अप्लाई कर लेना है, ठीक है। ओनली स्किन पे ही अप्लाई कर लेना है, आप लोग को दाढ़ी पे एंड हेयर पे आप लोग को अप्लाई नहीं करना होगा, ठीक है। ओनली स्किन पे ही इसको अप्लाई कर लेना है। पूरे स्किन पे अप्लाई कर लेने के बाद आप लोग फोटो को जूम करके देखेंगे यहाँ पे अच्छे तरीके से नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना है, ऊपर उस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ से इसका ऑपेसिटी हम लोग को कम कर लेना है 45 के करीब। और इसके बाद दोस्तों इसका साइज़ बढ़ा लेना है और बढ़ाने बाद एक ही बार आप लोग को अप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो इसका साइज़ मैं थोड़ा और बढ़ा कर कुछ इस तरीके से हल्का हल्का आप लोग किनारे किनारे कर सकते हैं, इससे आप लोग का फेक नहीं लगेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से कर लेना है एंड इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऊपर उस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और फिर से हम लोग को यहाँ पर लेयर पर क्लिक कर देना होगा एंड इसके बाद दोस्तों यहाँ से इसको ऑपेसिटी आप लोग कम भी कर सकते हैं, अपने फेस के हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इतना के करीब रख लेता हूँ एंड इसके बाद दोस्तों यहाँ पे SSL एडजस्टमेंट पर क्लिक कर देना है और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन पे यानी कि लाइटनेस को हम लोग इंक्रीज़ करेंगे। इसे आप लोग देख सकते हैं हम लोग फेस पे शाइनिंग आ चुका है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से इसको डन कर देना होगा। तो डन कर देने बाद फिर से क्या करना है, ऊपर उस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड इसके बाद दोस्तों लेयर पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ से ऑपेसिटी हम लोग अपने हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं, ठीक है।
और इसके वजह से यहाँ से मर्ज आल आप लोग कर लीजिएगा, तभी आप लोग का फेस स्मूथ होगा, ठीक है। एंड इसके वजह से फेस को स्मूथ करने के लिए ऊपर उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड इसके बाद दोस्तों लाइब्रेरी पे आ जाना होगा, और हम लोग को फेस स्मूथ करने के लिए यहाँ पे बहुत सारा ब्रश है, तो स्मज में आ जाना होगा, और हम लोग को स्मज में आने के बाद इस वाले ब्रश का यूज़ करेंगे। तो इसका सेटिंग मैं आप लोग को बता देता हूँ, तो ऊपर सेटिंग पर क्लिक कर देना होगा। एंड इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेटिंग पर क्लिक कर देना, और फ्लो को हम लोग यहाँ पे 40 है तो हम लोग इसको कम कर लेंगे, लगभग 3% के करीब रख लेना होगा, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेंथ भी 32 है, तो इसको भी हम लोग 3% के करीब रख लेंगे, ठीक है। और साइज़ को अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों फोटो को जूम कर लेना होगा, तो फोटो को फुल जूम कर लेने बाद नीचे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ से दोस्तों इस पर क्लिक करने में इस साइड करेंगे आप लोग का साइज़ छोटा या बड़ा हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से साइज़ को फिक्स कर लेने के बाद आप लोग अपने स्किन पे कुछ इस तरीके से राउंड राउंड अप्लाई करिएगा। आप लोग का जो भी ब्लैक निशान होगा स्किन पे काफ़ी अच्छे तरीके से रिमूव हो जाएगा, एंड आप लोग का फेस स्मूथ काफ़ी अच्छे तरीके से होगा, ठीक है। तो आप लोग कुछ इस तरीके से अपने फेस को स्मूथ करिएगा। दोस्तों आशा करता हूं आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों शेयर वाले ऊपर उस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको हम लोग सेव कर लेंगे। तो सेव करने बाद दोस्तों इस फोटो को हम लोग शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम लोग इसको ओपन कर लेंगे एडब लाइटरूम एप्लीकेशन में, ठीक है। तो इसमें ओपन करने बाद सबसे पहले यहाँ पे आ जाना है, और यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। इसके बाद दोस्तों ऊपर मिक्स पे क्लिक कर देना है, एंड इसके बाद दोस्तों ग्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसका ह्यू हम लोग -100 तक, और सैचुरेशन को फुल 100 तक, ठीक है। और यहाँ से ल्यूमिनेंस को थोड़ा सा, इसके बाद दोस्तों येलो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसका ह्यू हम लोग थोड़ा सा बढ़ा देंगे और ल्यूमिनेंस को थोड़ा सा। इसके बाद दोस्तों इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम लोग सैचुरेशन कम और ल्यूमिनेंस को इंक्रीज कर लेंगे अपने फेस के हिसाब से, ठीक है, और ह्यू इसका थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ से रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसका भी सैचुरेशन को इंक्रीज कर लेना है, और आप लोग यहाँ से इसको शेयर वाले डन कर देना होगा, ठीक है, सॉरी फ्रेंड डन कर देना है। और इसके बाद इफ़ेक्ट पर क्लिक कर देना है, यहाँ से हम लोग क्लियरिटी को इंक्रीज़ कर लेंगे और टेक्सचर को कम कर लेना है। और इसके बाद दोस्तों ऊपर शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है, ठीक है।